सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये है मेरे पास ऑप्टिकल 2RCA 5.1 चैनल ऑडियो डिकॉर्डर। आप इस डिवाइस को अमेजोन से परचेज कर सकते हो, और अगर आप इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग और देखेंगे इस डिवाइस के थ्रू हमें कैसी ऑडियो आउटपुट मिलती है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये है इसका बॉक्स पैक, जहां सामने की तरफ लिखा गया है डिजिटल सराउंड साउंड डिकोडर। नीचे की तरफ बताया गया है कि आप इसे अपने टीवी, सेट टॉप बॉक्स और डीवीडी प्लेयर से भी कनेक्ट कर सकते हो। बॉक्स के पीछे की तरफ चले तो यहां पर लिखी गई है इसकी MRP, जो कि है 4990, पर आप इसे अमेजोन से 2800 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। और अगर आप इस डिवाइस को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ये डिवाइस हमें क्या कुछ ऑफर करता है। तो बॉक्स में सबसे पहले आता है हमारा ऑप्टिकल 2RCA 5.1 चैनल कन्वर्टर। अभी के लिए इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं बॉक्स के बाकी कंटेंट्स की तरफ। फिर आता है हमारा ये पावर अडैप्टर, और आखिरी में आता है इसके यूजर मैनुअल, जहां पर आपको इसे कनेक्ट करने की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सब तो थे इसके बॉक्स कंटेंट्स। अब हम चलते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा 5.1 चैनल डिजिटल सराउंड साउंड डिकोडर, जो कि काफ़ी लाइट वेट है और ये मेटल का बना हुआ है। और यहाँ पर भी लिखा गया है डिजिटल सराउंड साउंड डिकोडर। और इस डिकोडर की एक खास बात ये है कि ये आता है डॉल्बी डिजिटल प्रोलॉजिक 2 के साथ में, और ये प्रोलॉजिक 2 कन्वर्ट करता है आपके 2 चैनल ऑडियो को 5.1 चैनल सराउंड साउंड में। यहाँ पर लगेगा इस डिवाइस को पावर अप करने के लिए अडैप्टर। ये है इसका इनपुट बटन। इसे प्रेस करने पर आप यहाँ पर दी गई इनपुट्स में से किसी भी इनपुट को सेलेक्ट कर सकते हो, और इसे प्रेस करने पर आप 2.1 चैनल या 5.1 चैनल में स्विच हो सकते हो। और यहाँ पर है इसकी इनपुट सेलेक्टर LED लाइट्स। ये है इसका ऑप्टिकल इनपुट 1 और 2, साथ ही में कोएक्सियल पोर्ट और AUX पोर्ट। और डिकोडर की इस तरफ है आपके 5.1 चैनल होम थिएटर को कनेक्ट करने के लिए जैक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं अपने टीवी के साथ में, और मैं अपने टीवी के ऑप्टिकल आउटपुट से इसे कनेक्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स, पीछे की तरफ वो जो वायर्स आपको दिख रही हैं, वो आ रही है मेरी 5.1 चैनल होम थिएटर से। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं इस डिकोडर के पीछे। सबसे पहले मैं कनेक्ट करूंगा अपने फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट स्पीकर की वायर को, और फ्रंट स्पीकर्स की वायर यहाँ पर हो चुकी है कनेक्ट। अब हम कनेक्ट करते हैं अपने सराउंड लेफ्ट और सराउंड राइट स्पीकर्स की वायर को, और अब बचती है हमारी सेंटर और सब वूफर की वायर। इसे भी मैं जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी स्पीकर्स की इनपुट इस डिकॉर्डर में कनेक्ट कर दी है। अब चलिए मैं अपने टीवी की ऑप्टिकल वायर भी इस डिकॉर्डर से कनेक्ट कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, ये है अमेजोन बेसिक्स की ऑप्टिकल फाइबर वायर, जिसे मैंने अमेजोन से 249 रुपीज़ में परचेज किया था, और इसका भी लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं इस वायर को भी ऑप्टिकल पोर्ट में कनेक्ट कर देता हूँ, और वायर हमारी यहाँ पर हो चुकी है कनेक्ट। तो फ्रेंड्स, सेटअप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, वायर्स हमने सारी की सारी कनेक्ट कर दी है। अब करते हैं हम इस डिवाइस को पावर अप। तो फ्रेंड, डिकॉर्डर जो है हमारा पावर अप हो चुका है। आप देख सकते हो जो LED लाइट्स है वो हो चुकी है ऑन। तो अब चलिए मैं अपने टीवी के थ्रू 5.1 चैनल होम थिएटर पे आपको कुछ म्यूजिक प्ले करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा iFalcon स्मार्ट टीवी, जिसके ऑप्टिकल पोर्ट से मैंने उस डिकॉर्डर को कनेक्ट किया हुआ है, और ये है मेरा 5.1 चैनल होम थिएटर। आप एक बार स्पीकर सेटअप देख लीजिए। ऊपर की तरफ है फ्रंट स्पीकर्स, और बीच में है सेंटर स्पीकर, और वहाँ पीछे की तरफ है ये दो रियर स्पीकर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, यूट्यूब की वीडियोस पर जो ऑडियो हमें मिलता है वो सिर्फ स्टीरियो चैनल ही सपोर्ट करता है, और ऐसे में यदि आप अपने 5.1 चैनल होम थिएटर पर यूट्यूब के थ्रू कुछ म्यूजिक प्ले करते हो तो आपको सिर्फ लेफ्ट या राइट स्पीकर में ही आवाज़ आती होगी, और या फिर आपके सभी स्पीकर्स में ऑलमोस्ट सेम आवाज़ आती होगी। और यहीं पर काम में आता है हमारा ये डिकॉर्डर, जो कि सपोर्ट करता है डॉल्बी डिजिटल प्रोलॉजिक 2 को, जो कि आपके 2 चैनल ऑडियो को कन्वर्ट करता है 5.1 चैनल सराउंड साउंड में। तो चलिए अब हम जल्दी से इस पर कुछ म्यूजिक प्ले करते हैं। ट्रैक को करते हैं थोड़ा फॉरवर्ड।
तो फ्रेंड्स ये जो सॉन्ग का पार्ट अभी आप सुन रहे हो, यही सॉन्ग का पार्ट हम प्ले करेंगे अपने रियर स्पीकर्स के पास जाकर, ताकि आपको इसके सराउंड साउंड का अंदाज़ा हो सके। फ्रेंड्स इस रिकॉर्डर के थ्रू मुझे काफ़ी अच्छी ऑडियो आउटपुट मिल रही है। 5.1 चैनल कंटेंट तो ये काफ़ी अच्छे से प्ले करता ही है, और साथ ही साथ इसमें डॉल्बी प्रो लॉजिक 2 का सपोर्ट होने से ये आपके 2 चैनल ऑडियो को भी 5.1 चैनल सराउंड साउंड में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसके जो साउंड आउटपुट है वो काफ़ी अच्छी मुझे लगी, और यदि आपके 5.1 चैनल होम थिएटर पर ऑप्टिकल इन का पोर्ट नहीं है तो ये डिवाइस आपको डेफिनेटली बाय करनी चाहिए। ये डिवाइस आपको अमेजोन पर 2800 रुपीज़ में मिल जाएगा, और यदि आप इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।